Hello everyone, welcome to UPSC IQ Tab and a very good morning to all of you. I hope आप सब बहुत ही अच्छे होंगे. So आज के वीडियो में basically जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर का चैप्टर है जो इतने दिनों से कंटिन्यू हम कर रहे हैं, आज फाइनली इस वीडियो में जो मैं इसे कंप्लीट कर दूंगी. देखा जाए तो सिर्फ दो ही टॉपिक्स जो हैं रह गए हैं. पहला हम देखेंगे प्रिविलेजेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर को, जहाँ पे हम कलेक्टिव प्रिविलेजेस देखेंगे और इंडिविजुअल प्रिविलेजेस देखेंगे. एंड सेकंड जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने कल बताया था कि हम यहाँ पे कंपैरिजन देखेंगे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो है पार्लियामेंट में किस तरीके से होता है, स्टेट लेजिस्लेचर में किस तरीके के होते हैं. ऑल्दो हमने पार्लियामेंट वाले चैप्टर में भी पढ़ लिया है और ये जो स्टेट लेजिस्लेचर वाला चैप्टर है वहाँ पे भी हमने प्रोसीजर कर लिया है, बट एक कंपैरिजन के तौर पे अगर हम समझेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी जो है कहीं ना कहीं हमें हो जाएगी. ठीक है, तो फाइनली जो भी आपका डाउट होगा अगर इससे रिलेटेड वो भी क्लियर हो जाएगा इस पर्टिकुलर वीडियो में. तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे प्रिविलेजेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. द प्रिविलेजेस ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर आर अ सम ऑफ स्पेशल राइट्स हैं, इम्यूनिटीज हैं, एग्जेम्पशंस हैं, इन्जॉय बेसिकली कौन करता है, हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो भी आपकी असेंबली है, काउंसिल है, उनके जो मेम्बर्स हैं उनको कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं, इम्यूनिटीज़ दी गई हैं, कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं, सो दैट वो अच्छे से काम कर सकें जो भी उनकी ड्यूटीज़ हैं. तो ये जो राइट्स हैं कहीं ना कहीं आपको मेंबर्स को भी देखने को मिलेंगे और जो कमिटीज़ हैं उनको भी दिए गए हैं. दे आर नेसेसरी हैं इन ऑर्डर टू सिक्योर द इंडिपेंडेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ देयर एक्शंस. यानी जो भी वो काम कर रहे हैं, वो जो मेंबर्स वहाँ पे जो बैठे हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, वो कहीं ना कहीं अपना काम इंडिपेंडेंट तरीके से कर सके, इफेक्टिव तरीके से कर सके, तो इसलिए ये स्पेशल राइट्स वगैरह इनको दिए जाते हैं. विदाउट दीज प्रिविलेजेस द हाउस कैन नाइदर मेंटेन देयर अथॉरिटी, डिग्निटी, ऑनर और नॉर कैन प्रोटेक्ट देयर मेंबर फ्रॉम एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि असेंबली के अंदर यानी लेजिस्लेचर के अंदर जो भी मेंबर्स हैं, अगर उनकी डिग्निटी को मेंटेन करना हो, उनकी अथॉरिटी को मेंटेन करना हो, उनको प्रोटेक्ट करना हो, किस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे हो कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना डाल ले, आपको देखने को मिलेगा कि फॉर एग्जांपल कोई मेंबर है, ठीक है, अगर मान लो उस मेंबर ने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, ठीक है, तो उस मेंबर के खिलाफ प्रोसीडिंग्स चलेंगी. तो किस किस तरीके से आपको सिविल मैटर्स पे इम्यूनिटी मिली है, क्रिमिनल मैटर्स में क्या इम्यूनिटीज़ मिली है, वो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे देखने को मिलेगा. ठीक है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बट आपको कहीं ना कहीं ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो लेजिस्लेचर के अंदर जो पर्टिकुलर मेंबर्स हैं जिनके कुछ लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्हें जब वो इन ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहे होंगे तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना क्रिएट करे, दैट्स वाई उनके मेंबर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसे स्पेशल राइट्स, इम्यूनिटीज़ वगैरह दी गई हैं. The Constitution has also extended the privileges of a state legislature to those persons who are entitled to speak and take part in the proceeding of a house of a state legislature or any of its committees. These included the Advocate General of a state and the state ministers. ठीक है, तो ऑलरेडी ये चीज़ हमने पहले भी देख ली थी कि आपके जो स्टेट के मिनिस्टर्स होते हैं, जो एडवोकेट जनरल होते हैं, अगर हम बात करें एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट की, तो डायरेक्टली वो मेंबर नहीं है किसी भी हाउस के, बट दोनों ही हाउसेस में जाके वो बोल सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट वोट नहीं डाल सकते, बट पार्टिसिपेट वगैरह कर सकते हैं. दैट्स वाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें भी कुछ ना कुछ प्रिविलेजेस वगैरह दे रखे हैं, सो दैट वो भी अपना काम इफेक्टिवली और इंडिपेंडेंटली कर सके. इसके अलावा स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं, जिस पर्टिकुलर हाउस के मेंबर हैं वहाँ पे, तो अच्छे से वो परफॉर्म कर सकते हैं, बट जिस हाउस के मेंबर नहीं है वहाँ पे भी उनको कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं, सो दैट वो वहाँ पे अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके, अच्छे से जो भी बोलना है, प्रोसीडिंग्स वगैरह देखनी है, फिर बातचीत करनी है, जो भी कुछ करना है तो वहाँ पे वो चीज़ कर सकें. नेक्स्ट है, इट मस्ट बी क्लेरिफाइड दैट हेयर दैट द प्रिविलेजेस ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट एक्सटेंड टू द गवर्नर हु इज़ ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. यानी एक चीज़ अब आपको ये ध्यान रखनी है कि जब हम बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर का, जहाँ पे आपके असेंबली है, काउंसिल है और गवर्नर भी हैं, तो गवर्नर भले ही आपके इंटीग्रल पार्ट क्यों ना हो स्टेट लेजिस्लेचर के, बट उन्हें कोई इम्यूनिटीज़, कोई प्रिविलेजेस जो है स्टेट लेजिस्लेचर प्रोवाइड नहीं करता. क्यों? बिकॉज एज अ गवर्नर ही उनके पास इतनी सारी इम्यूनिटीज़ हैं, इतने सारे प्रिविलेजेस हैं कि उन्हें एडिशनल कोई इम्यूनिटीज़, प्रिविलेजेस की ज़रूरत नहीं होती स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर. ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना. नेक्स्ट, द प्रिविलेजेस ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया. पहला, दोज दैट कैन एंजॉयड बाय ईच हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, यानी दोनों हाउसेज जो इंजॉय करते कलेक्टिवली वो हम देखेंगे, एंड दोज दैट आर एंजॉयड बाय द मेंबर्स इंडिविजुअली. हर एक मेंबर इंडिविजुअली कुछ नए प्रिविलेजेस मिली हुई हैं. ठीक है,
ऑल दो पार्लियामेंट वाले चैप्टर में हमने इसको अच्छे से देख लिया होगा, देख लिया था बेसिकली। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आज की वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से आपके वो डाउट्स भी रिजॉल्व हो जाए, इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करके चलेंगे। पहले हम देखते हैं कलेक्टिव प्रिविलेजेस। द प्रिविलेजेस बिलोंगिंग टू ईच हाउस ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर कलेक्टिवली आर, पहला, इट हैज़ अ राइट टू पब्लिश इट्स रिपोर्ट, डिबेट्स एंड द प्रोसीडिंग एंड ऑल्सो राइट टू प्रोहिबिट अदर्स फ्रॉम पब्लिशिंग द सेम। यानी कि जो भी हाउस है, पर्टिकुलरली बात करें असेंबली की या फिर काउंसिल की, तो दोनों ही हाउसेस के पास ये राइट है, कलेक्टिव मतलब पूरे हाउसेस के पास कलेक्टिवली ये राइट है कि जो भी वो रिपोर्ट्स निकालते हैं, जो भी वो डिबेट्स कर रहे हैं हाउस के अंदर, जो भी वो प्रोसीडिंग्स चला रहे हैं, उनको वो पब्लिश कर सकते हैं, मीडिया के सामने उनको लेके आ सकते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू उनको पब्लिश करवा सकते हैं, ये राइट उनके पास दिया हुआ है। साथ ही साथ वो प्रोहिबिट कर सकते हैं किसी और को अगर उन्हें लगे कि भाई ये जो प्रोसीडिंग चल रही है, ये जो सेशन चल रहा है, कहीं ना कहीं वो सीक्रेट है, ये चीज़ें जो है मीडिया में नहीं आनी चाहिए, तो उनको प्रोहिबिट भी कर सकता है वो चीज़ पब्लिश करने से। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 जो कहीं ना कहीं रिस्टोर करता था फ्रीडम ऑफ प्रेस टू पब्लिश द ट्रू रिपोर्ट्स ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर विदाउट इट्स प्रायर परमिशन, बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस। सो ये चीज़ हमने बात देखी ली बेसिकली, किस तरीके से कोई इनिशियली जब ओरिजिनली देखा गया था 1978 से पहले, ये बेसिकली क्या होता था कि जो भी हाउस में जो भी डिबेट्स चल रही हैं, जो भी प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही हैं, उस केस में आपको देखने को मिलेगा जो प्रेस है उनको भी वो चीज़ें पब्लिश करने की आज़ादी नहीं दी गई थी। ठीक है, तो इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जब आया उसके तहत जो है हमारे जो फ्रीड आपकी जो प्रेस है उनको ये पावर मिली हुई है कि आप जो है बिना परमिशन के, यानी किसी भी हाउस से, चाहे वो असेंबली हो या काउंसिल हो, उनके हाउस से परमिशन लिए बिना पर्टिकुलरली जो वहाँ पे प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही है उनको पब्लिश कर सकते हो, बट आपको ट्रू रिपोर्ट्स जो है पब्लिश करनी, ऐसा नहीं कि मिर्च मसाला लगा के आप चीज़ों को बता रहे हो जनता तक, वो है कहीं ना कहीं गलत मैसेज पहुँचेगा ना उसकी वजह से। तो दैट्स वाई आप कर सकते हो, बट टू रिपोर्ट्स आपको पब्लिश करनी है, बट सिर्फ एक केस में आप नहीं कर सकते जब बात सीक्रेट सिटिंग की हो। ठीक है, और सीक्रेट सिटिंग की आपको देखने को मिलेगा स्पीकर के पास कहीं ना कहीं पावर है कि सीक्रेट सिटिंग अरेंजमेंट करवाना, किस तरीके से इंश्योर करना कि कोई और मेंबर प्रेजेंट ना हो मतलब उस पर्टिकुलर सिटिंग में ना। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया, इट कैन एक्सक्लूड स्ट्रेंजर फ्रॉम इट्स प्रोसीडिंग एंड होल्ड सीक्रेट सिटिंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट मेंबर। यानी कि ऑब्वियसली जब सीक्रेट सिटिंग चल रही है तो अगर कोई स्ट्रेंजर वहाँ पे प्रेजेंट है तो उनको कहीं ना कहीं जो है बाहर निकाला जाता है, सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर जो है सीक्रेट सिटिंग हो बैठी हुई है वो कहीं ना कहीं जो है मेंबर्स के बीच में ही रहे, वो इन्फॉर्मेशन जो है लीक नहीं होनी चाहिए। इट कैन मेक रूल्स टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस एंड टू एजुडिकेट अपॉन सच मैटर्स। यानी कि किस तरीके से जो पर्टिकुलर हाउस है उसमें किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करना है, किस तरीके से हाउस का कंडक्ट होगा, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, बिजनेस किस तरीके से होगा, तो एज सच मैटर्स के ऊपर जो है कलेक्टिवली जो है उनके पास, दोनों हाउसेस के पास राइट है किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस वो लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट, इट कैन पनिश मेंबर एज वेल एज आउटसाइडर फॉर ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेजेस और इट्स अटेम्प्ट और इट्स कंटेम्प्ट बाय रेप्रीमेंड, एडमोनिशन और द इम्प्रिजमेंट और सस्पेंशन ऑफ एक्सप्लोजन इन केस ऑफ अ मेंबर। ठीक है, तो यानी कि आपको देखने को मिलेगा अगर कोई भी आउटसाइडर या फिर मेंबर, ठीक है, हाउस का ही कोई मेंबर है, अगर वो कहीं ना कहीं उन प्रिविलेजेस को ब्रीच करने की कोशिश करता है, उन प्रिविलेजेस जो उन्हें मिली हुई है उन्हें कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश करता है, तो हाउस के मेंबर को या तो सस्पेंड कर दिया जाएगा या तो एक्सपल्शन कर दिया जाएगा, निष्कासन कर दिया जाएगा, हाउस से ही उसको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पावर जो है दोनों हाउसेस के पास है कि अगर उनके मेंबर्स अगर इस चीज़ को ब्रीच करते हैं तो या तो उन्हें सस्पेंड कर दो या हाउस से ही निकाल दो। ठीक है, बट अगर मान लो कोई आउटसाइडर, अब देखो आप सोचो कि आउटसाइडर का क्या रोल है, तो वो कहीं ना कहीं आपको क्लियर होना चाहिए कि जो आउटसाइडर्स है उनको भी अलाउ किया जाता है कि जो भी प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही हैं हाउस में, जो जो चीज़ें हो रही हैं उनको बैठ के, जो बेसिकली जो रेलिंग वाला जो एरिया होता है ना वहाँ पे ऊपर की साइड वो बैठ सकते हैं, उन चीज़ों को देख सकते हैं, बट जहाँ पे बात की जाए सीक्रेट सिटिंग की तो वहाँ पे उन्हें अलाउ नहीं किया जाता। ठीक है, अब मेन चीज़ है कि वो किस तरीके से इन प्रिविलेजेस को ब्रीच करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज कई बार क्या होता है कि जब हाउस में इस तरह से काम चीज़ें चल रही होती, डिबेट चल रही होती हैं, तो बेसिकली हाउस के आसपास जो भी रेलिंग है वहाँ पे जो लोग बैठे हुए होते हैं, तो कई बार कुछ ना कुछ यू नो आप गलत सलत बोलने लग जाते हो ऊपर से बैठे बैठे, या फिर ऊपर से कुछ चीज़ फेंक के मार दिया किसी मेंबर के ऊपर, या फिर वहीं पे छलांग मार दी, तो इस तरह के आपको छोटे मोटे केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे असेंबली के अंदर, कुछ ना कुछ होते रहता है। तो उस केस में अगर आप मान लो किसी भी हाउस की प्रिविलेजेस को ब्रीच करता हुआ पकड़ा गया कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी आउटसाइडर, तो वहाँ पे उसको क्या किया जा सकता है,
रिप्रीमेंड करना मतलब बेसिकली उसको फटकार लगाना, एडमोनिशन मतलब उसको चेतावनी देना कि भाई लास्ट टाइम वार्निंग दे रहे, उसके बाद ऐसा कुछ हुआ तो भाई दंडित करेंगे। अगर मान लो फिर भी अगर वो ऐसा कुछ करता है या फिर कुछ सीवियर उसने किया है तो सीधा उसको इम्प्रिजमेंट हो सकती है। अब कितने साल की इम्प्रिजमेंट हो सकती है वो तो इसमें भी क्लैरिटी नहीं है, बट ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आउटसाइडर भी इस चीज़ को ब्रीच करता है तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी, फटकार लगाना, उसको बेसिकली इम्प्रिजमेंट कर देना। नेक्स्ट है कि इट हैज़ अ राइट टू रिसीव इमीडिएट इन्फॉर्मेशन ऑफ द अरेस्ट, डिटेंशन, कन्विक्शन, इम्प्रिजमेंट एंड रिलीज ऑफ अ मेंबर। यानी कि अगर मान लो जो कोई भी पर्टिकुलर हाउस है, असेंबली की बात करें या फिर काउंसिल की बात करें, तो असेंबली का कोई मेंबर है या फिर काउंसिल का कोई मेंबर है, अगर मान लो उसको अरेस्ट कर दिया गया हो, ठीक है, या फिर उसको डिटेंशन में रखा गया हो, प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे कि, या फिर कोई कन्विक्शन हो उसके खिलाफ इम्प्रिजमेंट कर रहे हो, या फिर उस पर्टिकुलर मेंबर को आप रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी इमीडिएट इन्फॉर्मेशन है, कहीं ना कहीं उसको हासिल करने का ये राइट कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर हाउस के पास है कि अगर असेंबली, क्योंकि देखो असेंबली में जो भी मेम्बर्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं तो उनका जो भी स्पीकर होगा उनके पास राइट है, उन्हें पता तो होना चाहिए उनके मेम्बर्स के साथ क्या हो रहा है, कि अरेस्ट कर लिया है, किस बेसिस पे अरेस्ट किया है, अच्छा रिलीज़ कर रहे हो, क्या क्या चार्जेस लगे, वो सब चीज़ें जो है इमीडिएटली उनको पता होना ज़रूरी है। दैट्स वाई ये एक कलेक्टिव राइट के उसके अंदर प्रिविलेजेस के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इट हैज़ अ इंस्टीट्यूट इंक्वायरीज एंड ऑर्डर द अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस एंड सेंड फॉर रिलेवेंट पेपर्स इन द रिकॉर्ड। यानी कहीं ना कहीं जो भी रिलेवेंट पेपर्स और रिकॉर्ड्स वगैरह की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो किस केसेस में देखने को मिलेगा, मान लो कोई इंक्वायरी बिठाई जा रही है, वहाँ पे किसी विटनेसेस की ज़रूरत है, उसका अटेंडेंस ज़रूरी है, कुछ भी रिलेवेंट पेपर्स या रिकॉर्ड लेके आने पड़ेंगे उस चीज़ों को, यू नो बेसिकली इंक्वायरी करने के लिए, तो वो सब चीज़ें जो है कंडक्ट कर सकता है दोनों ही हाउसेस। बिकॉज कई बार देखने को मिलता है अगर किसी मेंबर के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, कोई भी कोई भी आरोप लगाया जा रहा है, तो उस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंक्वायरी वगैरह की जाए और जो भी विटनेसेस हैं उनका भी बयान लिया जाए, जो भी रिलेवेंट पेपर्स या रिकॉर्ड को देखना है उसके खिलाफ जो भी लगे हुए हैं सबूत वगैरह देखने हैं, तो वो कहीं ना कहीं करने की पावर यानी राइट कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर हाउस को दी गई है एज अ कलेक्टिव प्रिविलेजेस के तहत। नेक्स्ट है द कोर्ट आर प्रोहिबिट टू इंक्वायरी इनटू द प्रोसीडिंग ऑफ अ हाउस ऑफ इट्स कमिटी। यानी उस पर्टिकुलर जैसे कि हमने बात की थी लेजिस्लेचर के अंदर जो कहीं ना कहीं जो है जुडिशरी जो इंटरफेयर नहीं करता है, ठीक है, इसलिए हम कहीं ना कहीं ये बताया जाता है कि जो भी प्रोसीडिंग हाउस में चल रही है, चाहे असेंबली में हो या काउंसिल में हो, जो भी कमिटीज़ कुछ भी काम कर रही हो, तो उस चीज़ में इंटरफेयर नहीं करता, उस चीज़ की इंक्वायरी हमारा जुडिशरी नहीं करता। नेक्स्ट है नो पर्सन आइदर अ मेंबर और आउटसाइडर कैन बी अरेस्टेड एंड नो लीगल प्रोसेस सिविल और क्रिमिनल कैन बी सर्वड विद इन द प्रेजेंस ऑफ द हाउस विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है कि कोई भी अगर मेंबर हो हाउस का या फिर कोई पर्टिकुलर आउटसाइडर हो जो कि पर्टिकुलरली हाउस में आके देख रहा है सब चीज़ें, मतलब प्रोसीडिंग्स वगैरह देख रहा है, उन पर्सन को आप अरेस्ट नहीं कर सकते या फिर कोई भी लीगल प्रोसेस नहीं चालू कर सकते। लीगल इन द सेंस कोई भी सिविल से रिलेटेड कोई लीगल प्रोसेस चालू करने वाले हो या फिर क्रिमिनल से रिलेटेड लीगल प्रोसेस चालू करने वाले हो, किस चीज़ के बिना, विदाउट द परमिशन ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर। यानी अगर मान लो अगर हम बात करें असेंबली के अंदर कोई भी मीटिंग मतलब प्रोसीडिंग वगैरह चल रही है और आउटसाइडर वहाँ पे बैठ के देख रहा है, अब कोई चार्जेस अगर आप मान लो लगा रहे हो उस आउटसाइडर के ऊपर, तो वो तब तक नहीं लगा सकते जब तक आप परमिशन ना ले लो प्रिजाइडिंग ऑफिसर से, ठीक है। तो असेंबली केस में आपको स्पीकर से परमिशन लेनी पड़ेगी और काउंसिल केस में आपको चेयरमैन से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कलेक्टिव प्रिविलेजेस को देख लिया, अब हम चलते हैं इंडिविजुअल प्रिविलेजेस की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है कि दे कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर। अब यहाँ पे देखो याद बात की जा रही है इंडिविजुअल एज अ मेंबर, ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर करते हुए चलना है कि दे कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर एंड 40 days बिफोर द बिगनिंग एंड 40 days आफ्टर द एंड ऑफ द सच सेशन। मान लो कोई एक पर्टिकुलर सेशन है जो चल रहा है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, अब क्योंकि वहाँ पे सेशन चल रहा है तो सेशन स्टार्ट होने से 40 दिन पहले, ठीक है, और सेशन ख़त्म होने के बाद 40 दिन बाद तक आप इस टाइम पीरियड में उस पर्टिकुलर मेंबर को अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेशन स्टार्ट होने के 40 दिन पहले और उसके एंड होने के बाद 40 दिन बाद तक आप उस पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद कहीं ना कहीं आपके पास पावर है कि आप उस पर जो भी मतलब जो भी इंक्वायरी वगैरह करनी है उसके बाद कर सकते हो, 40 दिन पहले नहीं कर सकते, 40 दिन बाद नहीं कर सकते।
दिस प्रिविलेज इज अवेलेबल ओनली इन सिविल केसेस. बस याद रखना कि ये जो प्रिविलेज मिला हुआ है किसी भी इंडिविजुअल मेंबर को कि आप इस तरीके से अरेस्ट नहीं कर सकते उस पर्सन को सिविल केस में, ओनली इन द सिविल केस में ये प्रिविलेजेस मिला है, बट नॉट इन द क्रिमिनल केस या प्रिवेंटिव डिटेंशन. यानी अगर मान लो वो जो पर्टिकुलर मेंबर है उसने कुछ ऐसा यू नो क्राइम किया है जो काफ़ी सीवियर क्राइम है, हीनियस क्राइम है कहीं ना कहीं, तो उस केस में तो आप वेट नहीं करोगे कि भाई 40 दिन पहले का सेशन हो रहा है, 40 दिन बाद होगा, तो उस केस में कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली उस पर्सन को, उस मेंबर को अरेस्ट कर लोगे. सिमिलरली अगर मान लो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्यों करते हैं कि अगर मान लो आपको थ्रेट हो रहा है कि भाई जो हमारा जो बेसिकली नेशन की सिक्योरिटी है उसमें वो पर्सन जो है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो नेशन की सिक्योरिटी के लिए वो मेंबर कहीं ना कहीं थ्रेट की तरह काम कर रहा है, तो आप उसको डिटेन तो करोगे, वेट नहीं करोगे कि भाई जब तक के सेशन ख़त्म नहीं हो जाएगा, बट सिर्फ सिविल मैटर में यानी सिविल केसेस में आप वेट करोगे वो जो प्रिविलेजेस है उन्हें मिलता है. क्रिमिनल और प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस में वो प्रिविलेजेस नहीं मिला हुआ है. दे हैव अ फ्रीडम टू स्पीच इन अ स्टेट लेजिस्लेचर एज अ इंडिविजुअल प्रिविलेजेस. हर एक मेंबर को एक फ्रीडम है कि वो बोल सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर. No member is liable to any proceeding in any court for nothing said or any vote given by him in the state legislature or its committees. This freedom is subject to the provision of the constitution and to the rules and the standing order regulating the procedure of the state legislature. यानी कि हर एक member को, चाहे वो assembly के member हो, state legislative assembly के member हो या फिर state legislative council के member हो, दोनों ही हाउसेस के मेंबर को ये राइट मिला हुआ है, ये इंडिविजुअल प्रिविलेज मिला हुआ है कि वो असेंबली के अंदर या फिर अपने भी जो जो हाउस के अंदर बोल सकते हैं कुछ भी यू नो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर कुछ भी वोट डाल सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर इंक्वायरी नहीं कर सकता जुडिशरी. याद रखना कि जुडिशरी जो है बेसिकली उनसे नहीं पूछ सकता कि आपने यही चीज़ क्यों बोली, आपने इसके इस पे ही क्यों वोट डाली, तो वो इंक्वायरी बेसिकली नहीं हो सकती उन पर्टिकुलर मेंबर्स के ऊपर, ठीक है. तो यानी ये जो फ्रीडम है कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, ये जो फ्रीडम उनको मिली है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिली है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हर एक हाउसेस जो है बनाता है, उन रूल्स रेगुलेशंस के तहत भी उनको ये फ्रीडम मिली हुई है. अब हम बात करते हैं आर्टिकल 211 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट सेज दैट द नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और अ हाई कोर्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी अंडर द रूल्स ऑफ अ हाउस ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर द यूज ऑफ अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज और अनपार्लियामेंट्री कंडक्ट ऑफ अ मेंबर इज प्रोहिबिटेड. अब यहाँ पर बात की जा रही है कि देखो जिस तरीके से जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकती कि भाई स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो भी मेंबर्स हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से वोट कर रहे हैं, क्या कमिटीज़ के मेंबर क्या डिसीजन ले रहे हैं, किस बेसिस के ऊपर डिसीजन ले रहे हैं, तो उस चीज़ों के ऊपर जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकती. सिमिलरली आप एक स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर कोई भी हाउसेस के अंडर अगर मान लो कोई भी जज के खिलाफ, ये चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो या फिर हाई कोर्ट के जज हो, उन्होंने किस तरीके से ड्यूटी में किस तरीके से काम किया है, किस तरीके से जजमेंट दिया, उसको क्रिटिसाइज आप नहीं कर सकते. यानी उस पर कहीं ना कहीं आप डिबेट डिस्कशन नहीं कर सकते स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर एज वेल एज पार्लियामेंट्री केस में भी हमने देखा था. तो यहाँ पे आर्टिकल 211 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कहीं ना कहीं जो बेसिकली जो भी मेंबर्स हैं वो इंडिविजुअल प्रिविलेजेस के तहत, मतलब भले ही हर एक मेंबर को इंडिविजुअल प्रिविलेजेस मिली है कि उनको फ्रीडम मिली है कि आप कुछ भी बोलो यार, मतलब कुछ भी हाउस के अंदर कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी वोटिंग कर सकते हो, कुछ भी डिस्कशन कर सकते हो, बट उस कुछ भी डिस्कशन के तहत आप ऐसा नहीं करोगे कि जो भी जजेस हैं उन्होंने अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करते समय जो भी जजमेंट बोली हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो किसी भी जज ने मान लो कुछ करप्शन का केस ही किया है, यानी कुछ करप्शन कर दिया, कुछ गलत तरीके से जो है किसी पार्टी के फेवर में आगे कुछ जजमेंट दे दी, तो ठीक है अगर आपको सच में लगता है कि ये चीज़ गलत हुई है तो प्रॉपरली आप एक रेजोल्यूशन निकालो उसके तहत, और रेजोल्यूशन निकालने के बाद उस पर डिबेट एंड डिस्कशन करो. बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब सेशन चल रहा है, चलते चलते आप मतलब किसी भी जज के बारे में आप बुरा करने लग जाओ, उनकी जो भी काम है उनको क्रिटिसाइज करने लग जाओ, तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं आर्टिकल 211 के थ्रू प्रोहिबिट की गई है. सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन ने तो आर्टिकल 211 में आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा जो भी रूल्स है हाउसेस के वहाँ से भी आप कहीं ना कहीं ये चीज़ इन्फेयर कर सकते हो कि ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रोहिबिट है. इसके अलावा अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज ऑफ अनपार्लियामेंट्री कंडक्ट है, वहाँ पर भी ये सब चीज़ों को प्रोहिबिट किया हुआ है, ठीक है. नेक्स्ट है और मेन चीज़ ये भी है कि आपको जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में जो है सेपरेशन होना चाहिए ताकि कोई भी किसी के काम पे इंटरफेयर ना करे. देखो चेक इन बैलेंस तो होना ज़रूरी है, बट ऐसा भी नहीं, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर बनाया गया. अगर प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू अगर चीज़ें होंगी तो वो कहीं ना कहीं लायबल भी होगा, इफेक्टिव भी होगा. तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इस चीज़ों को समझ पा रहे थे, दैट्स व्हाई उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को जो है पहले से इंकल्केट किया है, ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज्यूरी सर्विस, ठीक है.
they can refuse to give evidence and appear as a witness in a case pending in a court when the state legislature is in session. यानी कि अगर हम बात की जाए कि अगर मान लो कोर्ट के अंदर मान लो कोई केस चल रहा है और उस केस का मान लो कोई विटनेस है, मतलब वो जो मेंबर है वो कहीं ना कहीं वो विटनेस है, तो क्योंकि वो केस पेंडिंग पड़ा हुआ है जुडिशरी के अंदर और विटनेस कहीं ना कहीं वो लोग हैं और वो क्योंकि वो उस समय स्टेट लेजिस्लेचर का जो है सेशन भी चल रहा है, तो सेशन के दौरान जो है उनको कहीं ना कहीं फोर्स नहीं किया जा सकता कि भाई आप आओ और क्योंकि ये केस पेंडिंग पड़ा हुआ है और आप आई विटनेस हो या फिर इस चीज़ के विटनेस हो तो आपको यहाँ पे आके गवाही देनी पड़ेगी, इस तरीके से आप फोर्स नहीं कर सकते. बिकॉज अभी भी स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में चल रहा है और क्योंकि वो सेशन में चल रहा है आप उनको फोर्स नहीं कर सकते. जैसे ही आप सेशन ख़त्म होगा तब आप जाके जो है उन पर्टिकुलर मेंबर्स को जो भी विटनेस है उनको आप बुला सकते हो, ठीक है. और दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अ जूरी सर्विस. जूरी सर्विस क्या होती है, जिसमें मैंने आपको बेसिकली पार्लियामेंट वाले टाइम पे भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से पहले क्या होता था, जूरी सर्विस होती थी, यानी जो भी आपको डिसीजन लेना है वो मेजॉरिटी में लेना होता था, यानी हर एक पर्सन जो वहाँ पे बैठा होता था वो किस तरीके से मेजॉरिटी में वहाँ पे चीज़ें होती थी उस अकॉर्डिंग जो डिसीजन लिया जाता है. बट ये चीज़ें कहीं ना कहीं एग्जम्प्ट कर दी गई हैं, ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक्ट है जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग से डिस्कस किया था कि जो जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019 का, उसमें आपको देखने को मिलेगा द टोटल नंबर ऑफ सीट फिक्स्ड फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज 107, यानी 107 सीट्स जो है फिक्स कर दी गई हैं किसके लिए, जो असेंबली है पर्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर की. बट 24 सीट्स जो है फॉल करती हैं द POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी क्योंकि हमारा जो हम क्योंकि जो हमारा इंडिया है, हमारा जो भारत है वो कहीं ना कहीं जानता है कि जो POK है वो कहीं ना कहीं इंटीग्रल पार्ट है हमारे इंडिया का, और क्योंकि वो इंटीग्रल पार्ट है आज नहीं तो कल उसने इंडिया में आ ही जाना है. दैट्स वाई जो हमारे जो भी मेंबर्स हैं या फिर कह सकते हैं मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने पहले से ही क्या इंश्योर किया है कि हम अपने उसके अंदर असेंबली के अंदर जो है कम से कम इतनी सीट्स तो रिजर्व इनके लिए रखेंगे कि जब भी वो लोग आएंगे यानी जब भी POK इंडिया में इंटीग्रेट होगा तब वो सीट्स जो है कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ की जाएं. एंड दीज सीट्स आर वैकेंट एंड नॉट टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द रेकनिंग एंड द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली. इन एडिशन द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मे नॉमिनेट टू मेंबर्स टू द असेंबली टू गिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वुमेन, यानी वुमेन का रिप्रेजेंटेशन के लिए करीबन आपको देखने को मिलेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये पावर दी गई है कि वो दो मेंबर्स जो हैं उनको बेसिकली नॉमिनेट कर सकता है. किन दो मेंबर्स को, वुमेन को, वो भी किस केस में, इफ़ इज इन हिज ओपिनियन द वुमेन आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द असेंबली, यानी असेंबली के अंदर जब इलेक्शन हो रहे हैं तो उसमें वुमेन्स की जो भागीदारी अगर मान लो गवर्नर को लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगती है कि बहुत कम है, तो उस केस में वो चाहें तो दो मेंबर्स को यानी दो वुमेन्स को वो नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है. तो ये भी पर्टिकुलर एक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है. तो यहाँ पे ये चीज़ आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंपेयरिंग द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन केस ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर. तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं विद रिगार्ड टू द ऑर्डिनरी बिल्स के केस में. पार्लियामेंट में देखते हैं तो इट कैन इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी ऑर्डिनरी बिल्स जो है किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी. अब हम बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के केस में भी दोनों हाउसेज में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, चाहे वो असेंबली हो या फिर काउंसिल हो. सेकंड, इट कैन इंट्रोड्यूस्ड आइदर बाय मिनिस्टर और बाय प्राइवेट मेंबर. सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेचर के केस में भी क्या इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर भी. पार्लियामेंट में देखने को मिलेगा इट पासिस थ्रू फर्स्ट रीडिंग सेकेंड रीडिंग एंड द थर्ड रीडिंग इन द ऑरिजिनेटिंग हाउस, यानी जो भी हाउस उस पर्टिकुलर बिल को ऑरिजिनेट कर रहा है वो किस किस तरीके से पास करेगा, पहले फर्स्ट रीडिंग होगी सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग. सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट रीडिंग सेकंड एंड थर्ड रीडिंग के थ्रू पास किया जाता है. देन पार्लियामेंट में बोला गया इट इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट ओनली व्हेन बोथ द हाउस हैव एग्रीड टू इट आइदर विद और विदाउट अमेंडमेंट्स, यानी अगर दोनों हाउसेज अगर एग्री कर जाते हैं अमेंडमेंट्स के साथ और अमेंडमेंट्स के बिना तो वो एग्री बेसिकली पास माना जाएगा पार्लियामेंट से. स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो इट इज़ डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली व्हेन बोथ द हाउस हैव एग्रीड टू इट आइदर विद और विदाउट अमेंडमेंट्स, ठीक है. फिफ्थ, अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेस टेक प्लेस व्हेन द सेकंड हाउस आफ्टर रिसीविंग अ बिल पास्ड बाय द फर्स्ट हाउस रिजेक्ट द बिल और प्रपोजेज अमेंडमेंट दैट आर नॉट एक्सेप्टेबल टू द फर्स्ट हाउस और डज नॉट पास द बिल विद इन 6 मंथ, यानी कि 6 महीने हो गए बिल को उसने पास नहीं किया, या फिर जो भी अमेंडमेंट्स दिए गए थे उसको फर्स्ट हाउस से रिजेक्ट कर दिया है, या फिर जो भी चीज़ें एक्सेप्ट करने को की गई थी वो हुई नहीं है, तो उस केस में जो है कंडीशन क्या बनी है, डेडलॉक सा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है.
सिमिलरली आपको देखने को मिलेगा स्टेट रजिस्ट्री केस में भी डेडलॉक क्रिएट होता है बिटवीन द टू हाउसेस व्हेन द लेजिस्लेटिव काउंसिल आफ्टर रिसीविंग अ बिल पास बाय लेजिस्लेटिव असेंबली रिजेक्ट कर देता है बिल को या फिर प्रपोज करता है अमेंडमेंट बट दैट आर नॉट एक्सेप्टेबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली. अब देखो जो भी अमेंडमेंट उन्होंने प्रपोज करी अगर वो एक्सेप्ट हो जाए असेंबली के द्वारा तो डेडलॉक क्रिएट ही नहीं होगा. बट डेडलॉक क्रिएट तब होगा जब जो भी अमेंडमेंट उन्होंने प्रपोज करी है, पहले तो तब क्रिएट होगा जब बिल आपका रिजेक्ट हो रहा हूँ, दूसरा तब क्रिएट होगा जो भी अमेंडमेंट्स आपने प्रपोज करी थी एंड दूसरे हाउस ने जो अमेंडमेंट प्रपोज करी थी वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने से मना कर दे लेजिस्लेटिव असेंबली तब और डज नॉट पास अ बिल या फिर वो बिल को पास ही ना करे विद इन 3 मंथ. अब यहाँ पे चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पार्लियामेंट के केस में जो आपका राज्यसभा अगर 6 महीने तक पास ना करे यानी 6 महीने की कंडीशन रखी गई है, वहीं आपकी बात करें स्टेट रजिस्टर के अंदर 3 मंथ की कंडीशन रखी गई है. ठीक है, तो ये आपको स्मॉल स्मॉल फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखने हैं. ठीक है, तो उन दो कंडीशंस में आपको डेडलॉक देखने को मिलेगा. नेक्स्ट पॉइंट की जा रही पार्लियामेंट में, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द मैकेनिज्म ऑफ जॉइंट सीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू रिजॉल्व अ डेडलॉक बिटवीन द बिटवीन देम ओवर द पैसेज ऑफ अ बिल. यानी ऑर्डिनरी बिल को पास करते उसके बेसिकली पास करने के लिए जो भी डेडलॉक क्रिएट हुआ है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर खुद ये जॉइंट सीटिंग का मैकेनिज्म देखने को मिलेगा. पर अगर हम बात करें स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर द मैकेनिज्म ऑफ जॉइंट सीटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर टू रिजॉल्व अ डेडलॉक बिटवीन देम ओवर द पैसेज ऑफ अ बिल. बट ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं ना कहीं स्टेट लेजिस्लेचर केस में मैंशन नहीं कर रखा अबाउट द जॉइंट सीटिंग, क्योंकि वहाँ पर जॉइंट सीटिंग का कोई प्रावधान नहीं है. तो वो जो कंडीशन है जहाँ पर मैंने आपको बताई थी किस तरीके से जो स्टेट लेजिस्लेचर है फिर से बिल को पास करेगा, फिर वो देखेगा किस तरीके से अगर लगेगा नहीं 1 महीने से ज़्यादा उन्होंने होल्ड करके रखा है तो माना जाएगा कि बिल पास हो गया. देन हम देखते हैं पार्लियामेंट में बोला गया है कि द लोकसभा कैन नॉट ओवरराइड द राज्यसभा बाय पासिंग द बिल फॉर द सेकंड टाइम एंड वाइस वर्सा, जॉइंट सिटिंग इज द ओनली वे टू रिजॉल्व अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउस. अब क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दोनों ही हाउस के द्वारा दोनों ही हाउस के बीच में जो भी ऑर्डिनरी बिल से जो भी डेडलॉक क्रिएट होता है तो उसको सॉल्व करने का सिर्फ एक जो प्रावधान है वो है जॉइंट सीटिंग. ठीक है, और क्योंकि जॉइंट सीटिंग यहाँ पे दे रखी है तो जॉइंट सीटिंग के अंदर आपको बिल को पास करवाना ही करवाना पड़ेगा. यानी कि यहाँ पे इस केस में लोकसभा के पास वो पावर नहीं है जो कहीं ना कहीं आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में देखने को मिलेगी. यानी कि यहाँ पे लोकसभा जो है राज्यसभा के जो भी राज्यसभा को ओवरराइड नहीं कर सकते, यानी राज्यसभा अगर बार लो उस चीज़ को बार बार रिजेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं उसको डिले करती जा रही है तो उसको कहीं ना कहीं ओवरराइड नहीं कर सकती. और ओवरराइड करके मतलब ओवरराइड बाय द पासिंग द बिल फॉर अ सेकंड टाइम, यानी सेकंड टाइम फिर से उस बिल को पास कर रही है, पास करने के बाद उसको ओवरराइड करने की कोशिश कर रही है या फिर राज्यसभा इस तरीके से ओवरराइड करने की कोशिश कर रहा है तो वो चीज़ें नहीं हो सकता. दैट्स वाई कैन देखने को ये मिलेगा कि पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, पार्लियामेंट में अगर डेडलॉक को सॉल्व करना है दोनों हाउसेस के बीच में तो सिर्फ और सिर्फ जॉइंट सीटिंग एकमात्र रिजोल्यूशन है, एकमात्र सोल्यूशन माना जाता है. ठीक है, बट क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने इस तरीके से जॉइंट सीटिंग को मेंशन नहीं किया है, जॉइंट सीटिंग का जो भी मैकेनिज्म है वो नहीं दिया है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली कैन ओवरराइड कर सकती हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल को बाय पासिंग द बिल फॉर अ सेकंड टाइम एंड नॉट वाइस वर्सा. नॉट वाइस वर्सा मतलब यानी कि अगर मान लेते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल इस तरीके से बिल लेके आ रही है और असेंबली इस तरीके से बार बार रिजेक्ट कर रही है या फिर उसको पूरी तरीके से उस अमेंडमेंट्स को नहीं मान रही है या फिर जो भी अमेंडमेंट्स बोले हैं वो नहीं कर रही हैं तो उस केस में जो है काउंसिल इस तरीके से ओवरराइड नहीं कर सकता. यानी सिर्फ यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली को पावर दी गई है कि वही सेकेंड टाइम उस पर्टिकुलर बिल को ओवरराइड कर सकती है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको याद रखना है कि द लेजिस्लेटिव असेंबली कैन ओवरराइड द लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय पासिंग द बिल फॉर अ सेकंड टाइम, नॉट वाइस वर्सा. व्हेन अ बिल इज पास्ड बाय द असेंबली फॉर द सेकंड टाइम, ठीक है, एंड ट्रांसमिटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल. ये तो ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान में रखना है. दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि लोकसभा कैन नॉट ओवरराइड द राज्यसभा बाय पासिंग द बिल फॉर द सेकंड टाइम एंड द वाइस वर्सा, एंड जॉइंट सिटिंग इज द ओनली वे टू रिजॉल्व अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेस. ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे. यहाँ पे बोला गया है कि व्हेन अ बिल इज पास्ड बाय द असेंबली फॉर द सेकंड टाइम एंड ट्रांसमिटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल इफ द काउंसिल रिजेक्ट द बिल अगेन और प्रपोजेस अमेंडमेंट दैट आर नॉट एक्सेप्टेबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली और डज नॉट पास द बिल विद इन 1 मंथ. यानी जो 1 मंथ, यानी फर्स्ट इंस्टांस में आपने 3 महीने तक होल्ड किया, सेकंड इंस्टांस में आप 1 मंथ तक होल्ड कर रहे हो तो उस केस में माना जाएगा द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस इन द फॉर्म ऑफ इन विच इट इज पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द
सेकेंड टाइम, ठीक है। तो ये जो सेवन्थ पॉइंट है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑलमोस्ट इससे पहले वाले जो पॉइंट है वो आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेंगे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, बट ये जो सेवन्थ पॉइंट है ये दोनों को काफ़ी जो है डिफरेंट करता है। और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में देखो एक चीज़ अगर अच्छी होती है तो दूसरी चीज़ वैसे, बिकॉज कहीं ना कहीं देखो आपको चीज़ों को नॉर्मलाइज रखना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये चीज़ उन्होंने जॉन सेटिंग का मेंशन कर दिया है तो दैट्स वाई इस तरीके से इस तरीके डेडलॉक को आप सॉल्व कर सकते हो। अगर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने डेडलॉक को रिजॉल्व करने के जॉन सेटिंग कर दिया होता तो यहाँ पे भी वो चीज़ हो जाता, बट क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पे डेडलॉक को सॉल्व करने के जॉन सेटिंग नहीं रखी है तो दैट्स वाई एक दूसरा प्रपोजल कह सकते हैं, दूसरा तरीका कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव असेंबली को यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, जिसके थ्रू एक लेजिस्लेटिव असेंबली जो इस बिल को पास करवा सकती है, ओवरराइड कर सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल के डिसीजन को, ठीक है, ताकि प्रोसेस जो है कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव प्रोसेस स्मूथ हो सके, डिले ना हो सके उसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्लियामेंट में द मैकेनिज्म ऑफ जॉइंट सिटिंग फॉर रिजॉल्विंग अ डेडलॉक अप्लाइज टू अ बिल whether originating in the Lok Sabha or the Raj Sabha. If a joint sitting is not summoned by the President, the bill end and becomes the dead. ठीक है, यानी कि जॉइंट सिटिंग मान लो कोई भी बिल है और मतलब ऑर्डिनरी बिल है, कहीं पे भी ओरिजिनेट हुआ हो, चाहे लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ है या फिर राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ है और डेडलॉक हो चुका है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए जॉइंट सिटिंग को लाया जा रहा है। इंडेक्स यहाँ पे बोला जा रहा है इफ़ अ जॉइंट सिटिंग इज नॉट समन बाय द प्रेजिडेंट, अगर नहीं करते उसको समन तो उस केस में उस पर्टिकुलर बिल को एंड माना जाएगा, नहीं वो बिल कहीं ना कहीं डेड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं द मैकेनिज्म पासिंग द बिल इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं कि द मैकेनिज्म पासिंग द बिल फॉर द सेकंड टाइम टू रिजॉल्व द डेडलॉक अप्लाइज टू अ बिल ओरिजिनेटिंग इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली, क्योंकि सेकंड टाइम कहीं ना कहीं बिल को लाने की जो बात है वो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है। अगर मान लो लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा कोई फर्स्ट टाइम कोई बिल लाया जा रहा है, उसको काउंसिल ने पास कर दिया है और क्योंकि काउंसिल ने पास करके अब असेंबली में भेज दिया और क्योंकि असेंबली ने उसको रिजेक्ट कर दिया पूरी तरीके से, तो उस बिल को पूरी तरह से एंड माना जाएगा। नहीं, अब सेकंड टाइम यहाँ पे काउंसिल के पास पावर नहीं है कि फिर से उस बिल को असेंबली में भेजे, ठीक है, बट क्योंकि असेंबली के पास पावर है कि इस तरीके से सेकेंड टाइम उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए वो उस बिल को ओरिजिनेट कर सकती है, और व्हेन अ बिल विच हैज़ बिन ओरिजिनेटिंग इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड सेंट टू द असेंबली इट हैज़ बिन रिजेक्टेड बाय द लेटर एंड उस बिल को एंड माना जाएगा और डेड माना जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मनी बिल के रिस्पेक्ट में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में क्या क्या कंपेरिजन है। पहले बात करते हैं कि इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है ओनली इन द लोकसभा एंड नॉट द राज्यसभा, और स्टेट लेजिस्लेचर के केस में देखने को मिलेगा कि जो मनी बिल है उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, नॉट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। पार्लियामेंट में देखने को मिलेगा कि इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ प्रेसिडेंट, एंड लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेचर में देखने को मिलेगा इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे आपको देखने को मिला कि ये लोग रिटर्न नहीं कर सकते कंसिडरेशन के लिए, आइदर इनको या तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा असेंट देना पड़ेगा या तो उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है पार्लियामेंट्री केस में कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली बाय अ मिनिस्टर एंड नॉट बाय द प्राइवेट मेंबर, ठीक है। सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेचर में भी सेम है कि मिनिस्टर ही मनी बिल्कुल आ सकता है, कोई प्राइवेट मेंबर नहीं। नेक्स्ट है इट कैन नॉट बी पार्लियामेंट्री केस में बोला जा रहा है कि इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड और अमेंडेड बाय द राज्यसभा, यानी राज्यसभा के पास जब वो बिल जाएगा मतलब लोकसभा से पास होकर जब राज्यसभा के पास जा रहा है तो राज्यसभा मनी बिल को ना ही रिजेक्ट कर सकती है ना ही अमेंड कर सकती है। इट शुड बी रिटर्न टू द लोकसभा विद इन 14 days के अंदर, यानी ये जो टाइम पीरियड है दोनों ही केसेस में आपको पहली बात तो सेम देखने को मिलेगा, 14 दिन का टाइम राज्यसभा को भी दिया जाता है और 14 दिन का टाइम आपको काउंसिल को भी दिया जाता है कि 14 दिन के अंदर कहीं ना कहीं आपको रिटर्न करना है आइदर विद और विदाउट रिकमेंडेशन, ठीक है। वहीं आपको स्टेट लेजिस्लेचर के केस में देखने को मिलेगा कि जो आपकी काउंसिल है उनको 14 दिन के अंदर या तो पहले तो उनको उसको मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती अमेंड भी नहीं कर सकती, बस 14 दिन के अंदर कहीं ना कहीं उस बिल को पास करना है चाहे अमेंडमेंट के साथ करे या फिर विदाउट अमेंडमेंट। नेक्स्ट बोला गया है पार्लियामेंट में कि द लोकसभा कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल और एनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। सिमिलरली आपको देखने को मिलेगा स्टेट लेजिस्लेचर में भी कि किस तरीके से जो काउंसिल है सॉरी जो असेंबली है वो जो भी रिकमेंडेशंस वहाँ से आई है काउंसिल की तरफ से जो भी रिकमेंडेशंस आई है या तो उसको एक्सेप्ट कर सकती है या फिर सबको रिजेक्ट कर सकती है। पार्लियामेंट्री केस में देखते हैं जब लोकसभा एक्सेप्ट करती है यानी रिकमेंडेशन को तो वो बिल जो है देन पास्ड माना जाएगा बाय बोथ द हाउस इन द मॉडिफाइड फॉर्म में। सिमिलरली लेजिस्लेचर में भी आपको ये देखने को मिलेगा कि असेंबली जो है एक्सेप्ट करती है यानी रिकमेंडेशन तो उस बिल को बेसिकली पास माना जाएगा बाय द बोथ द हाउसेज इन द मॉडिफाइड फॉर्म में।
सेवेंथ पॉइंट है इन केस ऑफ पार्लियामेंट कि इफ द लोकसभा डज नॉट एक्सेप्ट एनी रिकमेंडेशन द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस इन द फॉर्म ओरिजिनली पास्ड बाय द लोकसभा विदाउट एनी चेंज, यानी बिना चेंज के द्वारा जो ओरिजिनली जिस तरीके से लोकसभा ने पास किया था उसी तरीके से पास माना जाएगा. बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इस तरह से डेडलॉक तो पहले तो क्रिएट हो नहीं सकता मनी बिल के केसेस में, जो आपका जो लोकसभा और राज्यसभा के बीच में डेडलॉक हो नहीं सकता, डेडलॉक नहीं हो सकता, जॉइंट सेटिंग नहीं हो सकती. एंड इस केस में लोकसभा को कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे पावर देखने को मिलेगी कि भले वो जो रिकमेंडेशन दिया अगर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो वो भी पास माना जाएगा जिस तरह से ओरिजिनली वो लोकसभा से पास हुआ था. सेवन पॉइंट भी सेम है आपका स्टेट लेजिस्लेचर का कि इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली डज नॉट एक्सेप्ट एनी रिकमेंडेशन द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड माना जाएगा बाय बोथ द हाउसेस इन द ओरिजिनल फॉर्म विच इज पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली विदाउट एनी चेंज. पार्लियामेंट ही इसमें देखेंगे इफ द राज्यसभा डज नॉट रिटर्न द बिल टू द लोकसभा विद इन 14 डेज द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस एट द एक्सपायरेशन ऑफ द सेट पीरियड इन द फॉर्म ऑफ ओरिजिनली पास बाय द लोकसभा. क्योंकि आपने 14 दिन का जो टाइम था वो कहीं ना कहीं एक्सपायर्ड हो चुका है, अब जो भी आपकी रिकमेंडेशंस थी वो तो कोई सुनेगा नहीं, ठीक है, उल्टा जो भी टाइम था वो भी आपके पास गया, तो जैसा तैसा जो भी था लोकसभा से जैसे ही पास हुआ था वैसे ही माना जाएगा कि पास हो चुका है. सिमिलरली आपको स्टेट लेजिस्लेचर के केस में देखने को मिलेगा कि इफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल डज नॉट रिटर्न द बिल to the legislative assembly within 14 days the bill is deemed to have been passed by both the houses at the expiration of a set period in the form of originally passed by the legislative assembly. Ninth point hai, the constitution does not provide for the resolution of any deadlock between the two houses. This is because the will of the Lok Sabha is made to be prevail over that of Raj Sabha if the latter does not agree to the bill passed by the former. यानी आपको देखने को मिलेगा जिस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑर्डिनरी बिल के केसेस में अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में अगर डेडलॉक क्रिएट होता है तो उसके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म बता रखा है कि जॉइंट सेटिंग के थ्रू भाई आप इसको रिजॉल्व करवाओ. और रिजॉल्व करवाने के तहत आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि लोकसभा कहीं ना कहीं राज्यसभा की पावर को ओवरराइड नहीं कर सकती, यानी दोनों को सहमति के साथ उस बिल को पास करना पड़ेगा इस जॉइंट सेटिंग के अंदर, तभी वो बिल पास माना जाएगा डेडलॉक के केस में, ठीक है. बट हमने देखा था स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर ऐसा कुछ जॉइंट सीटिंग का प्रोविजन है नहीं, यानी स्टेट लेजिस्लेचर में कहीं ना कहीं जो आपकी असेंबली है वो ओवरराइड कर सकती है काउंसिल के डिसीजन को. बट इन केस ऑफ मनी बिल आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस तरीके का अगर मानो डेडलॉक होता है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में तो उस डेडलॉक को कैसे सॉल्व करना उसके बारे में कुछ नहीं बता रखा, यानी कुछ नहीं बता रखा. इसका मेन मकसद जो है यही था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का कि मनी बिल के केस में कहीं ना कहीं लोकसभा के पास ज़्यादा पावर देना. बिकॉज अगर आप ऑर्डिनरी बिल की तरह इस प्रोसेस को भी सेम कर दोगे कि अगर मान लो डेडलॉक हो रहा है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में और डेडलॉक के थ्रू आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो और सॉल्व हो नहीं रहा है तो मनी बिल तो ऐसे कैसे रह जाएगा, तो जो भी फाइनेंशियल मैटर से जो बिल आया वो तो फिर पेंडिंग रह जाएंगे. दैट्स वाई आपको देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन ने इस तरीके से मनी बिल के केसेस में लोकसभा के पास एक पावर ज़्यादा दिया एज़ कम्पेयर टू राज्यसभा, सो दैट वो बिल अच्छे से पास हो सके राज्यसभा के थ्रू. नेक्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ एनी डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. दिस इज बिकॉज द विल ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज मेड टू प्रिवेल ओवर दैट ऑफ काउंसिल इफ द लेटर डज नॉट एग्री टू द बिल पास्ड बाय द फॉर्मर, ठीक है. तो ये हमने ऑलमोस्ट सारे के सारे कंपेरिजन देख लिए हैं, चाहे हम बात करें ऑर्डिनरी बिल के केसेस में या फिर मनी बिल के केसेस में. तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके जो भी डाउट होंगे कि किस तरीके से प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, कहाँ पे किस कंडीशन में बिल पास होता है, कहाँ पे रिजेक्ट होता है, किस तरीके से होता है, वो एक एक प्रोविजन हमने पार्लियामेंट केस में भी और स्टेट लेजिस्लेचर केस में भी हमने डिस्कस कर लिया है. तो आई एम रियली श्योर कि अब आपको कोई डाउट नहीं होगा. फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं. और यहाँ पे फाइनली हमारा जो चैप्टर है फिनिश होता है. एक एक चीज़ हमने लक्ष्मीकांत में जो गिवन थी जो लेटेस्ट सेवन्थ एडिशन है उसके अकॉर्डिंग हमने कवर कर लिया है. अब हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर फिनिश करेंगे. अगर आई होप आपको ये आज का वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबके साथ जो है कहीं ना कहीं शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके देन, बाय.